आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लास में आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वी लुकअप एंड लुकअप मेथड का टॉपिक है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि अभी भी जस्ट मैंने एक वीडियो अपलोड किया है इसके ऊपर कि आप अपने डेटा को किसी मैप के ऊपर कैसे शो करें। जैसे आप देख रहे हैं शो हो रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 28 नंबर चेंज होता है, सारा नंबर चेंज हो रहा है ना, जी कैसे हो रहा है इसकी वीडियो मैंने अपलोड की है, मेरे चैनल से देख लीजिएगा। मैप चार्ट करके टाइटल है, सर, किस नाम से है चैनल? मेरा चैनल है आईपीटी इंडिया के नाम से, आईपीटी इंडिया सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो फिर नेक्स्ट टाइम में नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक तो हम बात कर रहे हैं वी लुकअप की, मतलब कि लुकअप मेथड की। तो लुकअप मेथड की जरूरत क्यों पड़ती है, पहले चलिए इस चीज पे हम डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने मेरे पास एक डेटा है, इस डेटा में एक यूनिक आईडी है, एसआईडी। तो क्या हुआ कि मान लीजिए कि हमें एक किसी पर्सन ने, मैंने मेरे पास तो डेटा ऑलरेडी पड़ा है, लेकिन मान लीजिए किसी सेल्स पर्सन ने कुछ सेल्स आईडी दी कि 8 नंबर को, 81 नंबर को, 150 नंबर को, 65 नंबर की, इसकी सेल्स की डिटेल्स दे दीजिए। जी पड़ा हुआ है मेरे डेटा में, अगर मैं वीलुकअप ना इस्तेमाल करूं तो मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या 8 है, तो मुझे 8 कंट्रोल एफ करके फिर इसको कॉपी करके फिर यहाँ पे जाके हमें पेस्ट करना होगा, राइट। ये तो क्रिटिकल जॉब है। जैसे कि आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे तो आपने रिजल्ट देने के लिए आपने यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाते थे और अपनी रोल नंबर डालते थे, आपको रिजल्ट मिल जाता है। आप बैंक जाते हैं, बैंक में आप अपना अकाउंट नंबर देते हैं तो आपकी पूरी डिटेल्स, पूरी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री विस्ट्री सब निकाल लेता है। ऐसे ही आप अपनी एम्प्लॉय कोड एचआर को देते हैं तो एचआर आपकी पूरी सैलरी डिटेल निकाल लेती है। इसको बोलते हैं लुकअप मेथड। उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मैं सेल्स आईडी के अकॉर्डिंग मैं पूरी इंफॉर्मेशन निकाल पाऊँ, किससे, अपने सेल्स डेटा से। तो सेल्स डेटा में मेरे पास बहुत जी ज्यादा डेटा है, इसमें से मुझे किसी पर्टिकुलर डेटा का डिटेल चाहिए। जी इसके लिए इस्तेमाल करेंगे वी लुकअप। वी लुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप, क्योंकि ये वर्टिकली लगता है इसलिए वी लुकअप। और एक होता है एच लुकअप जो कि हॉरिजॉन्टली लगता है, इसे उसको हॉरिजॉन्टली वी लुकअप कहते हैं। तो यहां वी लुकअप का करेंगे कि वी लुकअप डेटा वर्टिकल है, तो यहां पे वी लुकअप लगाते हैं। तो वी लुकअप लगाते समय कुछ चीजों के ध्यान रखिएगा, आपके लुकअप वैल्यू पता होने चाहिए कि कौन सा यूनिक आईडी है, क्योंकि यूनिक आईडी के अकॉर्डिंग चलता है। तो मुझे 8 को ढूंढना है कि 8 के बिहाफ पे डेटा कहाँ से लाना है, तो डेटा शीट से। और डेटा शीट में भी जो आपका यूनिक आईडी है, जो जो आपकी लुकअप वैल्यू जो आपने डाला है, वो वैल्यू सबसे पहली कॉलम में होनी चाहिए, क्योंकि वी लुकअप जो है लेफ्ट टू राइट फाइंड करता है। मतलब कि पहला जो आप सिलेक्शन डेटा सिलेक्ट करेंगे उसकी जो पहली कॉलम होगी उसी में आपका डेटा को मैच करेगा। आपके स्टार्टिंग में वो होना चाहिए, याद रखिएगा। फिर यहां पर मान लीजिए कि उसने 8 को ढूंढा तो उसको 8 से रिलेटेड उसको 10-12 कॉलम्स का डेटा मिल गया, लेकिन स्पेसिफिक कहता है कि एक कॉलम का डेटा हम एक ही कॉलम में शो करेंगे। तो सो यहां पे आपको एक कॉलम का नेम देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कॉलम का नंबर देना पड़ेगा, मतलब कि 1 और 2 दूसरे नंबर कॉलम का चाहिए, और एग्जैक्ट मैच करना या फिर मिलता जुलता। तो फिलहाल हम एग्जैक्ट मैच करने के लिए फॉल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा डेट आ गया, नंबर फॉर्मेट में, डेट फॉर्मेट में चेंज कर दिया कंट्रोल शिफ्ट हैश से, तो ये हमारा डेट फॉर्मेट में चेंज हो गया। बात करते हैं यहाँ पे सीआईडी कस्टमर आईडी लाने के लिए, तो फिर अगेन वी लुकअप, क्योंकि एक सेल में एक ही डेटा आएगा, तो फिर दूसरे के लिए मैं दोबारा से वी लुकअप लगाता हूँ। मैं अब मैं अपनी पूरी डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और इस बार मैं कॉलम नंबर डालूंगा 3, क्योंकि 1, 2 और 3 तीसरे नंबर पे है, इसलिए 3 डालूंगा। अब मैंने इसमें 0 क्यों डाला, इसमें फॉल्स डाला है, क्योंकि सिस्टम में आपका एक्सेल जो है फॉल्स को 0 एंड फॉल्स इक्वल टू 0 और वन इक्वल टू ट्रू समझता है। तो यहाँ 0 से भी काम चलाया जा सकता है। सेम मैं यहाँ पे अगेन वी लुकअप लगाता हूँ, देखिए वी लुकअप कैसे लगा रहा हूँ। लुकअप वैल्यू हमने सेलेक्ट किया, टेबल डेटा में गए, हमने अपने टेबल को सिलेक्ट किया, कॉमा 1 और 2, 3, 4 चौथे नंबर कॉलम पे आया, कॉमा 0 कर दिया, तो ये हमारा चौथा नंबर आ गया।
अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी बाकी डिटेल्स भी लगानी है तो सब में वी लुकअप लगाना पड़ेगा जी, जरूरी नहीं है सब में वी लुकअप लगाना। हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं या ड्रैग करेंगे, तो ड्रैग करने से पहले अगर मान लो हमने ड्रैग कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए B8 के अकॉर्डिंग हो गया, रवि जी लेट हो गया आप आज। चलिए यस वो खाना खा रहा था सर। तो यहां पे सामने आप देख रहे हैं यहां पे बढ़ जा रहा है, तो हम ड्रैग करने से पहले हम अपने रो को फ्रीज करेंगे, मतलब कि हम डॉलर का साइन लगाएंगे इसमें ए से पहले, क्योंकि 2 को 1 2 3 होना है नीचे ड्रैग करने पे, इसको हम फ्रीज कर देते हैं। अब मैं बाकियों पे ड्रैग करूंगा तो मेरा काम थोड़ा सा कम जाएगा, कम क्या जाएगा कि अब मैं सिर्फ इसमें नंबर चेंज करूंगा और डेटा मुझे दिख जाएगा 7 8 9 10 11 12। क्लियर है सर? सर मैच मैच फंक्शन से भी सर प्रोवाइड है हम बता रहे, वन बाय वन बताएंगे ना। तो यहां पे हमें दिक्कत हो गई, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि मुझे हर बार नंबर्स ना डालना पड़े, तो एक आसान तरीका है कि मैं यहीं पे ऊपर में सीरियल नंबर दे दूं, सीरियल नंबर दे दिया और इसको हम यहां पे ड्रैग कर दिया। तो यहां पे हम वी लुकअप लगाते समय क्या करूंगा कि हम इसको सिलेक्ट करते हैं, डेटा पे जाते हैं और हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं और यहां पे जो हम नॉर्मली 1 2 3 करते थे वो C1 में जाके इस 2 को करके कॉमा 0 कर देते हैं, और ड्रैग करने से पहले हम इसको फ्रीज कर लेंगे, सॉरी इसको फ्रीज कर लेंगे, फिर हम इसको फ्रीज कर देंगे और इसमें हम सिर्फ 1 को फ्रीज करेंगे क्योंकि बी आगे ड्रैग करेगा तो सी डी होना चाहिए ना इसलिए, और फिर हम इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपको एक रो यहां पर रखना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, अगर ये डिलीट तो आपका कुछ नहीं आएगा, सो ये चीज पता होना चाहिए। अब इसमें एक और प्रॉब्लम आ गई कि नहीं ऐसा नहीं हो, कुछ और तरीका चाहिए, मुझे कॉलम ऐड नहीं करना है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था कॉलम का, कॉलम फॉर्मूला हम गए डेटा में सेलेक्ट किए और यहाँ पे एंटर कर दिए तो ये देखिए 2 आ गया और हमें इसमें 2 ही तो डालना है। तो कॉलम फॉर्मूला क्या होता है, जिसको सेलेक्ट करते हैं उसकी कॉलम नंबर को दिखाता है, तो मैं यहाँ पे वी लुकअप लिया और मेरा डेटा जो सिक्वेंस यहाँ है वही सीक्वेंस डेटा में है, तो हम कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉमा कॉल, कॉलन में हमने इसको सेलेक्ट कर दिया कॉमा 0। आगे ड्रैग करने के लिए आपको इसको फ्रीज करना है और फिर इसको फ्रीज करना है F4 से, फिर मैं इसको आसानी से ड्रैग कर सकता हूं आपके साथ। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम और आ गई, छोटी सी प्रॉब्लम क्या आ गई कि जैसे मैं यहां पे वी लुकअप लगा रहा हूं तो मुझे ड्रैग वैग करना पड़ रहा है, फ्रीज करके इसको ड्रैग करना पड़ रहा है, मैं तो नहीं मैं एक ही बार में पूरा लगा लू, तो आप अपने कॉलम नंबर को सही से देख लीजिए, मैच कर लीजिए, पूरा एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आप यहाँ पे वी लुकअप को लगाइए, इसको सिलेक्ट कीजिए, डेटा में गए और हमने डेटा को सिलेक्ट किया यहाँ से और यहाँ जितने भी कॉलम नंबर है वो अपनी कॉलम के अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग
आप यहाँ पे डालते चले जाए। यहाँ पे सिक्वेंस ऐसे नहीं कि दो के बाद तीन ही आएगा, तीन के बाद चार ही आएगा, नहीं, आप अपने कॉलम के अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और यहाँ पे क्लोज किया एन कॉमा जीरो, और यहां पे कंट्रोल सेव्ड एंटर प्रेस करें तो आप देखेंगे कि ये पूरा डेटा आ गया। मैं एक बार और करके बताता हूं कि मुझे 104 का चाहिए यहां पे, तो मैं यहां पे वी लुकअप का कोड लगाया वी लुकअप, और हमने इसको सेलेक्ट किया, डेटा में गए अपने डेटा में सेलेक्ट, डेटा को सेलेक्ट किए कॉमा, कर्ली ब्रैकेट में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कर्ली ब्रैकेट को कर दिया कॉमा जीरो। कंट्रोल, अब यहां पे कंट्रोल सिर्फ एंटर करना है, देखिए गलती से मान लीजिए आपने सिलेक्ट नहीं किया तो सिलेक्ट करने F2 प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो पूरा अपने आप आ जाएगा। तो ये वी लुकअप में एरे का मेथड है, ठीक है सर? जी सर, बढ़िया। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। अब जैसे कि इन्होंने अभी जैसे कुछ लोगों ने बोला मैच का, तो चलिए मैच के बारे में समझते हैं क्या है। जैसे कि दो चीजें हैं, आपने देखा कि हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम करना क्रिएट करना पड़ा यहाँ पे, तो मैच के यूज करने से पहले दो चीजें समझ लीजिए। पहला कि आपकी हेडिंग का स्पेलिंग सेम होना चाहिए, अगर हेडिंग में कुछ और है, जैसे हेडिंग में CID है, यहाँ पे आपने डाल दिया कस्टमर कस्टमर कोड, तो मैच मैच नहीं करेगा। तो मैच उसी केस में होता है जहां पे आपका फील्ड नेम और डेटा का फील्ड नेम सेम होता है, ये हमेशा नहीं होता है। तो मैच करता क्या है, मैच हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली चलता है और आपके सेल वैल्यू को आपके डेटा के अंदर मैच करता है और उसका रो इंडेक्स नंबर या कॉलम इंडेक्स नंबर देता है। जैसे यार 2 दिया तो इसका मतलब नहीं कि डेट दूसरे नंबर कॉलम, मतलब कि बी में है तो दूसरा नंबर कॉलम, नहीं, ये रो इंडेक्स नंबर देता है, जहां से सिलेक्शन वहां से काउंट करता है। तो अभी भी आप देखेंगे तो डेटा में 2 ही देगा, क्यों? क्योंकि यहां पे आपकी जो मैच है, मैच में क्या लगा हुआ है, सी से स्टार्ट है डेटा आपका, तो उसने सी से शुरू करके दिया कि 1 एंड 2। तो मैच क्या करता है, रो इंडेक्स नंबर देता है। तो वी लुकअप में इस मैच का इस्तेमाल किया जा सकता है कि वी लुक आप अगर आप एक साथ नहीं लगा सकते तो आप क्या करें कि मैच को अलग लगा दें, कि मैच हमने इसको सिलेक्ट किया डेटा में गए और अपने डेटा को सिलेक्ट रो सिलेक्ट कर लिया डेटा रो को एंड कॉमा जीरो। अब मैं यहां पे वी लुकअप लगा रहा हूं, SID यहां पे होना, वी लुकअप लगा रहा हूं, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया और हमने सिलेक्ट किया अपने डेटा को और कॉमा, यहां पे आप मैनुअली 2 लिख देते हैं, मैनुअली 2 हमने लिख दिया। अब इस 2 को मुझे इसकी फॉर्मूला से रिप्लेस करना है तो मैं मैच की फॉर्मूला को डबल क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा और कॉपी कर लूंगा कंट्रोल सी से, और फिर जहां पे 2 था उसके जगह पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। उसके बाद यहां देखिए क्या है कि मैं आगे इसको ड्रैग करने से पहले मैं कॉलम की हेडिंग को यहां पे पेस्ट कर देता हूं ताकि चेंज ना हो, यहां बीट 13 को 13 को फ्रीज करेंगे और इसको फिर डेटा को फ्रीज, और फिर इसको आगे की तरफ हम ड्रैग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं रवि जी, तो ये तो जंग है नहीं। प्रमोद जी, मनोज जी, कोई डाउट इसमें? नहीं कोई नहीं सर, नहीं सर नहीं। आदित्य, कोई डाउट है आपको? नहीं, तो समझ में आ रही है अभी तक। तो ये हमारा था। देखिए, वीलुकअप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा स्लोली पढ़े, प्रैक्टिस करके आगे जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ये आपका काम आने वाला है, तो मैं चाहूंगा इसको आप स्लोली पढ़े, ठीक है? तो मैं ये फाइल आप लोगों को भेज रहा हूं ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सके जैसा मैंने किया, ठीक है? ठीक सर, तो मनोज राव एंड कुंदन समझ प्रमोद जैन जी। रवि कुशवाहा, मैं बाकी सबको नाम डाल दिया मैंने और मैं इसको भेज दे रहा हूं। इस क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपने कर ही ली है, और जिन लोगों ने नहीं किया है उनको हम भेज देंगे, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो, छोटी मोटी डाउट हो तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, बड़ा डाउट होगा तो कल की क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा। तो कल हम इसी वीलुकअप को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप वीलुकअप तो नहीं कहेंगे इसको, इसको बोलते हैं लुकअप मेथड। तो लुकअप मेथड को हम आगे कंटिन्यू करेंगे।